नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे राम मंदिर के बनने पर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है, तो उसी का आनंद लेंगे सिर्फ आज। हमें तो सिर्फ ना बस उनको देख कर हंसने का मन कर रहा है और कुछ बस उनको देख कर उनकी जो जलन है ना, उसको बस एक खुशी मिल रही है उसको देख कर। तो देखते हैं उन लोग क्या क्या अंदर की पीड़ा निकाल रहे हैं, जो बरनौल से भी उनकी जलन खत्म नहीं हो रही है, बस हमें हंसने का मन कर रहा है। उनकी इतनी इतनी जली हुई है, क्या पता उसकी कोई सीमा नहीं। इतनी खुशी हो रही है हमें अंदर से ना, इनके देख देख कर और कुछ बोलने का मन नहीं कर। आप सुनिए इनको कि क्या क्या बोल रहे हैं। इतनी खुशी ये एक पत्रकार है, मायर की पत्रकार है, जो आरफा खानम शेरवानी बोलते हैं, ये वो है, ये बकैती कर रही कुछ। मैं महिला एंकरों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो कहती हैं कि हम विकसित भारत, प्रगतिशील भारत और आधुनिक भारत की तस्वीर हैं। इस कदर के वो भारतीय परिधान नहीं, कोट पैंट पहन के आस्तीन चढ़ाते हुए न्यूज रूम में आती हैं और पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि महिला होने से वो कमजोर हो जाएंगी, पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं। आज वो बड़े बड़े तिलक लगाकर श्लोक पढ़ रही हैं। आज उस पूरे मीडिया को, जिस समय पूरा तानाशाही हम सिस्टम कह रहे हैं, ताना और शाह मिलकर किस तरीके से ये पूरा तंत्र तैयार कर रहे हैं कि पूरे तरीके से जो हमारे पत्रकार हैं वो ऐसे भक्तों में तब्दील हो गए हैं। एक छोटा वीडियो मैंने देखा जिसमें किसी ने कहा कि कंबल पत्रकारिता है, तो क्या हुआ कि हो गई इनको कि पत्रकार वहां जाकर गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, पूरे राममय में हो गए हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। बनता भी तो हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के, कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक तिलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही है गीता के श्लोक पढ़ रही है और वहाँ पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये तीन लोग इन तीन खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां तीन लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। ये वक्त को काटा कैसे जाए, इस पर बहुत तकलीफ हो रही है। ये वक्त को काटा कैसे जाए, इतनी पीड़ा, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है पीछे, असहनीय पीड़ा हो रही है इनको। ये तीनों को देखो ना, बहुत कितना डिस्कशन कर रहे हैं इनके पास। ये तीनों बैठकर अपने में बर्नौल मल रहे हैं, बात करके थोड़ा दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो मंच है कि हम ऐसा बक सकते हैं, थोड़ा अपने आप को सुकून दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई मंच नहीं है तो ये कहने का। मैं आपके सामने कुछ शब्दों को पढ़ूंगी, उन शब्दों को सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, इतना अजीब कि आप कहेंगे कि आरफा खानम शेरवानी क्या आज दीवानी हो गई। ये शब्द हैं आपकी स्क्रीन के सामने, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज हम इस संविधान को अंगीकार। एक रवि है, इसका भी सुन लीजिए बेचारे का, इसकी भी तकलीफ सुन लेते थोड़ी, क्या बोलता है बेचारा। इसको तो बहुत तकलीफ है, ये इतना बड़ा सेक्युलर है कि अपने नाम से पांडे हटा दिया, ये आधा ही नाम लिखता है ताकि लोगों को इसकी जाति मत पता चल जाए। सुन लेते इसकी तकलीफ। दिल्ली की सड़कों 22 जनवरी 2024, ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। तो हम अपनी पुरानी कार में बैठ उसके चक्र के सहारे उस भारत को देखने निकल गए जहां एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है। उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ट्विटर पर अयोध्या में एक दुकानदार और मुसलमान बूढ़ा एक पत्रकार से यही बातें दोहरा रहा था, कह रहा था कि फैसला पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो अपने उदासी गर्व के साथ बता रहा था। अकेले की वो आवाज भीड़ की आवाज से ज्यादा खनक रही थी। इसके बाद भी 22 जनवरी को कई जगहों पर लोग दोहराते हुए सुने गए कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। राम अगर सत्य का नाम है तो इस सत्य को जनता तक पहुंचने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सत्य अदालतों के फैसलों के बाद भी आता है, वो जाता कहीं नहीं, यहीं कहीं रह जाता है इन्हीं सड़कों पर जिन पर हमारी कार चल रही है। घंटे भर के हमारे सफर में 22 जनवरी के भारत की आशंकाएं 22 जनवरी के भारत की संभावनाओं से टकरा रही थी, दब भी गई थी मगर बोल रही थी। इसी बीच मुझे 22 जनवरी के दिन 6 दिसंबर 1992 की याद दिलाने वाले भी मिले, बस उनकी जगह अब नई उम्र के लड़कों ने बाइक संभाल ली है उन्हीं नारों को दोहराने के लिए। जय श्री राम। अभी एक शेरवानी में बोल रही है कि मेरा मोहल्ला सेकुलर मोहल्ला है, गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मिक्स्ड पॉपुलेशन में झंडे गड़ गए। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सिरे पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। फिर तो तकलीफ अच्छी, ये वो जगह है, ये वो देश है जहाँ मैं मेरे पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता और बहुत। अभी आपको और भी ज्यादा जलना बाकी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।